तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्तिवेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज की चरण सरोजिनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताई भाई बहन सभी को भी श्रद्धा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पर कोई यहाँ पर कुछ विशेष हरि बोल। आज एक विशेष स्थिति है। हरे कृष्ण। कम बोल 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 ना खराब बोल छोड़ दो। हरे कृष्ण। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है, जन्म तिथि है। नित्यानंद प्रभु है कौन? कहते नित्यानंद प्रभु कौन है? कहते श्री नित्यानंद प्रभु कहते जब भगवान अवतीर्ण होते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, वो धाम समेत लेकर के आते हैं। उसी तरह जब श्री चैतन्य बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे श्रीमान जीव को ऊपर में कृपा करके नहीं आए सदस्य धाम साहब वो अपना परिकर और धाम समेत इस जगत में कहते श्री बोले कृष्ण कहते ब्रजे बलाई बलाई निताई बोलो नहीं। जब भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हुए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं लीला करूंगा, लेकिन उधर वो लीला नहीं कर सकते। इसलिए वेद कहता है एक अपि बहुस्या, एक होकर के बहु जब इच्छा करने के लिए इच्छा की कहते उनकी बाम अंग से एक दिव्य मूर्ति है बड़ी सुंदर दैत्य प्रमाण एक सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। इसलिए वो रास से प्रकट हुई, इसलिए पहला अक्षर हो गया। लेकिन वो प्रकट होकर के कृष्ण को पूजा करने के लिए सेवा करने के लिए धावी तो हुई, धावी तो मतलब दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा। अब वहां मत बैठो, पीछे जो बैठे के देख सकते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया राधा। इसलिए कृष्ण का वाम अंग से बोले श्री राधा ठाकुरानी प्रकट हुई, बोले उनकी डाहन अंग से कहते श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए हैं? श्री बलदेव प्रभु। कहते राधा रानी से इस जगत में जितने शक्ति हैं, हाँ इसलिए भक्ति मनो ठाकुर कहते हैं ओमार मा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आव नाय भाई। इसलिए कृष्ण सेवा करने के लिए राधा रानी वो अनंत मूर्ति रूप में प्रकट होती है। उमा रमा सत्या सची रुक्मिणी ये जितने सब शक्तियां हैं श्री राधा रानी से प्रकट हुई और उनकी डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई। कहते श्री बलदेव प्रभु से कहते श्री मूल शंकर सन प्रकट होते हैं और इनसे फिर चतुर्व्यूह प्रकट होता है, वासुदेव शंकर सन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उसमें जो शंकर सन है उनसे तीन विष्णु हुए। कितना विष्णु हुए? कहते दुनिया जानता है हम तो एक विष्णु जानते हैं, हम तो तीन तीन विष्णु की बात करते हैं। कहते एक कार्तिक दशाई, एक गर्भ दशाई और एक श्री क्षीर दशाई। कहते इनका क्या काम है? कहते जो कारण तो साई विष्णु कृष्ण तो रह गए पहले, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ना ईश्वर परम कृष्ण सचिदा नंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण कौन हो गए? ये चीज को समझो अच्छे तरह से।
कृष्ण कौन है और ये सब अवतार कौन है। अभी कृष्ण का अंश श्री बलदेव प्रभु प्रकाश में और उनसे हो गए श्री चतुर्व्यूह, उससे जो शंकर सन जो तीन विष्णु जो एक कारण दशाई विष्णु हुए, तो उन्होंने माया को प्रति उन्होंने दृष्टि की। दृष्टि करने पर माया खुबित होकर के अनंत करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि करती है। इसलिए जिसको ब्रह्मा कहते हैं, जिनकी एक एक लोम रूप में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है। इसलिए जब श्री दृष्टि करते हैं अनंत ब्रह्मांड सृष्टि होता है और हर ब्रह्मांड में जो गर्भोदशाई, गर्भोदशाई कौन है, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुई, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुई। इसलिए ये गर्भोदशाई विष्णु इन्होंने अपना शरीर की पसीना से पानी से आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं और उसमें शयन करते हैं। इसलिए ये गर्भोदशाई विष्णु कहते एक हो गए क्षीरोदशाई विष्णु। बोले क्षीरोदशाई विष्णु को बोले हर जीवों के अंदर में जो परमात्मा रूप में जो बैठे हैं, कहते श्री ये क्षीरोदशाई विष्णु कहते ये शेष रूप में भगवान जो अनंत नाग ऊपर शयन करते हैं, कहते ये कौन है वो शेष रूप में, कहते भगवान जिनको ऊपर में शयन करते हैं। इसलिए ये बलदेव प्रभु जो बलदेव प्रभु ही कहते ये श्री नित्यानंद प्रभु रूप में जगत में आए हैं। कहते ये नित्यानंद रूप में आए कारण क्या है, बोले कारण है कहते ये कृष्ण को भक्ति कैसे करनी चाहिए ये हमें पता नहीं, भगवान को प्रसन्न कैसे करनी चाहिए हमें पता नहीं। इसलिए अभिन्न रूप में राधा रानी प्रकट हुई, क्योंकि जैसे आपको मीठा बहुत पसंद है, आप हमारे घर में आए, अगर मैंने नमकीन नमकीन आपको खिला दिया खुश तो होगे लेकिन उतना खुश नहीं होगे, लेकिन आपको जो प्यारा लगता है अगर वही चीज दूं खा कर खुश हो भैया, मेरा मन पसंद चीज है, ये मेरी मन पसंद चीज है। तो उसी तरह कृष्ण ही अपना सेवा शिक्षा देने के लिए बा उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहते एक स्वरूप में राधा रानी रूप में प्रकट हुए और दूसरे स्वरूप में श्री बलदेव रूप में प्रकटित होंगे। आप प्रकट होकर करते हैं क्या, कहते दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, तत्वतः कृष्णा बलराम में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। देखने में कृष्ण केवल काले और दाऊ भैया केवल भोरे, इतना ही भेद है, तत्व तो कोई भेद में नहीं, लेकिन वो अपना सेवा शिक्षा देने के लिए वो अनंत रूप में भगवान की ये सेवा करते हैं अनंत रूप में श्री। इसलिए कृष्ण की 10 शरीर और 5 रसों से सेवा करते हैं। 10 शरीर किस रूप में, कहते बलदेव प्रभु कौन है, कहते 7 चीत और आनंद, 7 चीत और आनंद, कहते 7 रूप में कौन है, ये संधि शक्ति की अधिष्ठात्री देवता श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु, जो कि भगवान को धारण करते हैं, ठाकुर जी को धारण करते हैं। इसलिए कृष्ण आने से पहले कौन आए हैं, श्री बलदेव प्रभु। बोले क्यों, बोले भगवान को धारण कौन करेगा, भगवान को धारण कौन करेगा, वही बलदेव प्रभु ही धारण कर सकते हैं। इसलिए श्रीमान महाप्रभु आने से पहले कौन आए, बलदेव प्रभु। अरे चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कौन आए, कहते श्री नित्यानंद प्रभु आए और श्री विश्वरूप प्रभु आए। महाप्रभु के बड़े भैया का नाम कौन है, विश्वरूप है। कहते विश्वरूप कौन है, विश्वरूप कहते श्री बलदेव प्रभु का प्रकाश है। इसलिए जैसे कृष्ण आने से पहले श्री दाऊ भैया आए हैं और श्री महाप्रभु आने से पहले श्री नित्यानंद प्रभु आए, क्योंकि उनको धारण यही कर सकते हैं। इसलिए सत रूप में श्री संधि शक्ति इनके अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु और चित रूप में कृष्ण है ज्ञान स्वरूप भगवान कृष्ण और आनंद रूप में कौन है, लादिनी शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा रानी। कभी जब ये तीनों मिलते हैं ना, सत चित आनंद जब तीनों मिलते हैं तभी ये पूर्ण होते हैं, तभी ये पूर्ण होते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु
हैं, कहते श्री नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, क्या किए जो कुछ देख रहे ना, ये किसकी प्रकाश है? ये बलदेव प्रभु का धाम किसका प्रकाश है? श्री बलदेव प्रभु का। इसलिए 10 शरीर से कृष्ण सेवा करते हैं। 10 शरीर में क्या कौन सा रूप है? कहते भगवान का जो सिंहासन बलदेव प्रभु, कृष्ण का जो वस्त्र बलदेव प्रभु, उनकी जो अलंकार बलदेव प्रभु, जो मृदंग बजाते हैं ये भी बलदेव प्रभु, जो मजीरा बजाते हैं ये भी बलदेव प्रभु का प्रकाश, जो कृष्ण का जो जूती है वो भी बलदेव प्रभु, कृष्ण का जो आसन बलदेव प्रभु, उनका जो चामर बलदेव प्रभु, उनका जो व्यंजन, जो कुछ आप देख रहे हो कृष्ण सेवा के लिए, वो सबके सब से बलदेव प्रभु ही अनंत रूप में, एक नाम अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए 10 शरीर से कतियो पंच रसों से भगवान कृष्ण की ये सेवा करते हैं। पंच रसों में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधु, ये पंच रसों से सेवा करते हैं। कृष्ण की सखा बन करके सख्य रस का आस्वादन दिलाते हैं। हाँ, एक तरफ में दाऊ भैया और एक तरफ में कृष्ण कन्या, दोनों दो पार्टी हो जाती है और दोनों सख्य रस की आस्वादन करते हैं। जो हार जाएगा एक दूसरे के कंधे पर बैठेगा। हैं, वात्सल्य रूप में बलदेव प्रभु बड़े भाई जब कृष्ण थक जाते हैं क्या करते हैं, दाऊ भैया का जंगे के ऊपर सर रखकर कृष्ण सोते हैं और बलदेव प्रभु उनको हवा करते हैं, उनको हवा करते हैं बलदेव प्रभु। इसलिए कभी ये वात्सल्य रस में ये बड़े होने का नाते कभी कभी कृष्ण को शासन भी करते हैं। बड़े है ना, कृष्ण को कभी कभी ये शासन करते हैं। और कहते वात्सल्य रूप में और श्रृंगार रस रूप में ये अनंत जो मंजरी है कभी बलदेव प्रभु का ही प्रकाश है। यदि श्रृंगार रस में भी बलदेव प्रभु की, कृष्ण की ये सेवा करते हैं। दास्य रस में तो हर तरह से सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु अनंत अनंत रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन ये जो पहले जब आए रामलीला में, इसलिए लक्ष्मण बन करके आए। कौन बन करके आए? लक्ष्मण बन करके आए, छोटे भाई बन करके आए। इसलिए छोटे गुरु जी कहते थे पहले तो छोटे भाई बन करके आए, होने का नाते क्या करनी चाहिए, बड़े भैया का आदेश को पालना करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने विशेष करके ऐसे दो काम किए जो कि छोटे भाई के लिए, सेवक के लिए ये धर्म ने। फिर दो काम क्या किए, पहला काम है जब लंका से सीता को वापस लाए, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अभी तुम चिता सजाओ। बोले क्यों? बोले अभी सीता को मैं वापस लूंगा ना, ये अग्नि परीक्षा करके मैं सीता को वापस लूंगा। उसी समय लक्ष्मण तो बिगड़ गए। अब रामायण देखे हो, कौन कौन देखे हो, इतने लक्ष्मण बिगड़ गए। बोले सीता मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। रावण जोर जबरदस्ती इसको पकड़ कर ले गया इच्छा का विरुद्ध में, और इतना कष्ट करके अशोक वाटिका में उन्होंने इतना कष्ट करके जीवन बिताया, फिर उनको परीक्षा, मैं आपका विद्रोह कर सकता हूँ। लक्ष्मण इतने बिगड़ गए राम को वर्णन है, इतने बिगड़ गए, इसे मैं विद्रोह कर सकता हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। खाली रामचंद्र समझाए, बोले बेटा जो असली सीता है ना, वो असली सीता है ही नहीं, वो नकली सीता है। रावण आने से पहले मेरे को पता चल गया था, इसलिए सीता को मैंने अग्नि में स्थान दे दिया, अभी नकली सीता प्रवेश करेगी और असली सीता आएगी, इसलिए उनको चिता सजाना पड़ा। ये सेवक धर्म का विरुद्ध है, ये एक काम। दूसरा काम है वो धोबी जब मैया सीता के ऊपर अंगुल उठाया, मैं थोड़ी राम हूँ, एक साल तक रावण सीता को उठा करके ले लिया, जब वापस आया बराबर आसन में उनका स्थान दे दिया, मैं राम नहीं हूँ। जब ये बात बचकला राम को, फिर भगवान राम सीता को त्याग दिया। लेकिन किसको किसको द्वारा भेजा? लक्ष्मण द्वारा, लक्ष्मण की माँ, अपना आराध्या देवी, थोड़ी अपना आराध्या देवी को चिरकाल के लिए जंगल में थोड़ी कोई भेज सकते हैं। इसलिए जो काम करना पड़ा लक्ष्मण काम पकड़ लिया, अगली बार से मैं कभी भी छोटे भाई आग बन करके नहीं आऊंगा, मेरे को सेवक धर्म के मेरे को विरुद्ध काम करना पड़ा और मैं अभी बड़ा भैया बन करके आऊंगा।
इसलिए उन्होंने जब कृष्णा अवतार में आए फिर उन्होंने छोटे भाई नहीं क्या बन करके आए श्री दाऊ भैया बन करके आए बोले श्री दाऊ दयाल की जय जोर से बोलो बोले श्री दाऊ भैया की जय इसलिए उन्होंने श्री बलदेव प्रभु बन करके आए और जरूरत पड़ा ना बड़े भाई छोटे भाई को शासन कर सकता है इसलिए कभी कभी कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने शासन किया कृष्ण को उन्होंने शासन किया लेकिन अपना भोग के लिए नहीं कृष्ण की सेवा के लिए इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे बोलते थे सेवक चार ही तरह के कितने तरह के क्या क्या है कहते एक उत्तम और एक मध्यम और एक कनिष्ठ और एक अधम गुरुदेव उदाहरण देते चार तरह का सेवक है कहते श्री बलदेव प्रभु उत्तम सेवक है बल्कि उत्तम सेवक का लक्षण क्या है उत्तम सेवक का यह लक्षण है इष्ट नहीं चाहने पर भी जो जोर जबरदस्ती करे जैसे मानो तुम्हारी पति बाहर जा रहा है ठंडा की मौसम है अपना पत्नी कहती है देखो आप बाहर जा रहे हो ठंडा पड़ रहा है ये साल अपना साथ में ले लो हो सकता है डेरी देर नहीं हो जाए मैं टिफिन में खाना में पैकिंग करके दे देती हूँ पत्नी का क्या जरूरत अभी जाऊंगा अभी अभी मैं वापस आ जाऊंगा कोई जरूरत नहीं पैकिंग करने का साल की कोई जरूरत नहीं बोले नहीं ठंडा ले गया तो ओढ़ सकते हो वो पति नहीं चाहने पर भी पत्नी लड़ाई करके वो क्या करती है साल को पैकिंग करके खाना को टिफिन में भर करके बढ़िया से उनको दे देती है लेकिन पति मना कर रहा है नहीं नहीं लेकिन पत्नी जोर जबर दे रहे हैं आप बताओ पति खुश होगा ना नाराज होगा अरे बोलो जोर से जब खुश होगा वो तो मना कर रहा है देखो ये चीज को समझो यहाँ पर श्री गुरुदेव उदाहरण देते थे यहाँ पर बलदेव प्रभु इनकी बड़ी भैया बनी करके आई बोले क्यों आदेश देने के लिए नहीं अपना भगवान की कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्होंने बड़े भाई बन करके आए जब जब कोई जरूरत पड़ा है ना जब 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 बलदेव प्रभु कृष्ण को डांट लगा देते थे कृष्ण को डांट लगा देते थे और कृष्ण को जोर जबरदस्ती बलदेव प्रभु उनकी सेवा करते थे उनकी सेवा करते थे अगर कभी किसी बात को लेकर अगर लड़ाई होता था अगर बलदेव प्रभु का बात बलदेव प्रभु अपना बात को नीचा कर देते थे और कृष्ण को आगे कर देते थे कृष्ण को आगे कर देते थे अपना बात पर अड़े नहीं रहते थे कृष्ण जो चाहता है कृष्ण बलदेव प्रभु को ही काम किया बोले किस समय बोले जिस समय श्री सुभद्रा हरण का समय में बलदेव प्रभु बिगड़ गए बोले तू सारी गड़बड़ी तूने किया है और जो साधु बन करके आ गए और साधु कान में उन्होंने मंत्र दे दिया तुम द्रौपदी को भगा करके ले जाओ हाँ भगा करके ले जाओ इसलिए उसी समय बलदेव प्रभु हाँ बिगड़ गए थे लेकिन जब देखा नहीं कृष्ण की ये इच्छा है वो अपना इच्छा को त्याग दे करके कृष्ण की इच्छा में अच्छा मिला बोले ठीक है भैया तू चाह रहे हो ना ठीक हो इसलिए बलदेव प्रभु फिर जब श्री महाप्रभु रूप में आए फिर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु बन करके आए और आकर के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु इतने सेवा की जो सोच भी नहीं सकते हैं इसलिए आज श्री बलदेव प्रभु अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु का आज जन्मतिथि इसलिए कहते जो नित्यानंद प्रभु है ये बड़े दयालु श्री नित्यानंद प्रभु इतने दयालु नित्यानंद प्रभु इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं संसारे रपार हरिया भक्ति रसागरे जे डूबी वैसे भजो का नीताई चांदेरे मतलब है जो व्यक्ति ये संसार से पार होकर के भक्ति रसों में जो डूबना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए किसको भजन करनी चाहिए जे डूबी वैसे भजो को नीताई चांदेरे इसे इनका नाम नित्यानंद क्या नाम है मतलब क्या है नित्य मतलब नित्य आनंद मतलब जो हर समय आनंद में रहते हैं बोले ये हर समय क्यों आनंद में रहते हैं और हर समय हम क्यों दुखी रहते हैं कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई बीवी से दुखी कोई पति से दुखी कोई बेटी से दुखी कोई बेटा से दुखी कोई पैसा से दुखी हम दुखी क्यों रहते हैं और वो नित्यानंद क्यों रहते हैं कारण क्या है उनका नाम निताई और नित्यानंद क्यों कारण है
इसलिए वो नित्यानंद है, वो हर समय कृष्ण सेवा करते हैं। क्या करते हैं? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का सेवा करते हैं, दस शरीर से और पंच रसों से ठाकुर को सेवा करते हैं। इसलिए शिक्षा देते हैं, अगर आप भी नित्यानंद बनना चाहते हो क्या करो, मेरे आदर्श को अपना जीवन में अपनाओ। इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए अगर तुम वो भक्ति रस में सरावर होना चाहते हो क्या करो, श्री नित्यानंद कृष्ण की सेवा करो, महाप्रभु की सेवा करोगे तो फिर तो नित्य आनंद में तुम डूबे रहोगे। इसलिए श्री इसलिए कहते हैं है? संसार पार या भक्ति रस सागरे, भक्ति रस में डूबना चाहते हो क्या करो, श्री नित्यानंद प्रभु का शरण को तुम आश्रय ग्रहण करो, हर समय तुम आनंद में डूबे रह सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण भाई बिना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा भैया है ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण भाई बिना, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का करुणा नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु श्री हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो क्या करते थे, वो घर बार छोड़ करके बार बार चले जाते थे महाप्रभु के पास में, और उनको पिता माता जोर जबरदस्ती पकड़ पकड़ घर में ले आते, जोर जबरदस्ती ले आते थे। जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु पानी घाट एक स्थान है, जब वहां पर आए, जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला, उन्होंने दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए तो श्री नित्यानंद प्रभु बोले तू चोर हो, तू चोर हो, क्योंकि जो राधा कृष्ण है श्रीमन महाप्रभु मेरी संपत्ति है, अरे बिना मेरे को बोले हुए तू मेरी संपत्ति को हड़पना चाहते हो है, मेरे संपत्ति को हड़पना चाहते हो, इसलिए तेरे को मैं दंड दूंगा। बोले क्या दंड दोगे? देखो भक्ति जगत में दंड भी बहुत अच्छी चीज है। बोले सारे भक्तों को फीस्ट दिया, भक्तों को उत्सव दिला है, भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया, वहां भी उत्सव है। इसलिए जब उन्होंने सारे भक्तों की सेवा की, नित्यानंद प्रभु की सेवा की, फिर नित्यानंद प्रभु इनके सर के ऊपर अपना चरण को जब धरे, उसको बाद में अभी तक उनको पिता माता पकड़ पकड़ के लाते थे, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गई फिर गए तो गए, फिर उनको पिता माता वापस नहीं लाए, क्यों? श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई। इसलिए कहते श्री नित्य आज श्री नित्यानंद प्रभु का आज जन्म तिथि है, हैं? नित्यानंद प्रभु का जन्म तिथि, इनकी कृपा से ही हमें राधा कृष्ण की प्रेम धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज इनकी ऊपर में हमारे कुछ भक्त लोग वो अपना अपना दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ कथा बोलेंगे। देखो अभी ठाकुर जी का अभिषेक हो जाएगी, अभिषेक को बाद में ठाकुर का दरवाजा बंद करते हुए फिर हम लोग फिर कथा सुनेंगे, और ठाकुर जी श्रृंगार भोग लगाएंगे, फिर हम नित्यानंद प्रभु की कथा सुनेंगे। एक भजन है वो भजन को निकालो। कहते श्री नित्यानंद प्रभु जहाँ पर जन्म हुए हैं बताओ तो, जहाँ पर जन्म हुए गांव का नाम क्या था, कौन बोला हार दो, क्या नाम था और भी कोई नाम है? हाँ उसका नाम है राडदेश। क्या नाम है? राड नहीं डा, मतलब कभी डा भी रा होता है, कहते राधा देश, ढा मतलब होता है रा, हाँ ढा को कभी रा ऊंचा। इसलिए क्योंकि भगवान जब आते ही वृंदावन का एक नाम वृंदावन, वृंदावन मतलब क्या है, वृंदा मतलब तुलसी, कहते जो वृंदा है मूल जो वृंदा है वो राधा रानी, इसलिए वृंदावन नहीं वो राधा रानी का देश है। इसलिए वृंदावन में जाओ सबके सब किसके नाम लेते हैं, अरे जोर से बोलो, क्योंकि जो वृंदा जो मूल वृंदा से राधा रानी, राधा रानी ने ये वृंदावन को उन्होंने वृंदा देवी को दिया। उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, इसलिए वो जहाँ जन्म हुई वो गांव का नाम है राधा देश, और उसका नाम एक चक्र, एक चक्र नाम क्यों पड़ा, तब एक चक्र जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था उसी समय में श्री कृष्ण को तो ताव आ गया कि भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, कृष्ण को ऐसे बाण मार रहे थे, अर्जुन को ऐसे बाण मार रहे थे,
कृष्ण ने कहा आज ये बूढ़े को क्या होगा, आज इतने छलांग लगा करके लगता है मेरे अर्जुन को खत्म कर देगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इतने में कृष्ण को इतना क्रोध आया, बोले आज ये पितामह भीष्म को मैं समाप्त कर दूंगा। उठाया उन्होंने रथ चक्र लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। इतने में पितामह भीष्म ने बोले हे द्रौपदी आपकी एक इशारा पर विश्व ब्रह्मांड ध्वंस स्थिति सिद्धि प्रलय हो जाता है, लेकिन मेरी बात की रक्षा करने के लिए आप अपने अस्त्र धारण किया है, क्योंकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था आपसे मैं अस्त्र धारण कराऊंगा, और इन्होंने क्या बताया था मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, इसलिए मेरे वजह से आपने अस्त्र धारण किया। लेकिन भगवान कौन है, बोले सत्य संकल्प सत्य व्रतम, जिनका व्रत कभी झूठा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने चक्र उठा लिया था। अभी पितामह भीष्म ने शरणागत हो गए, फिर चक्र को क्या करेंगे, भगवान का प्रतिज्ञा कभी झूठा नहीं होता, इसलिए उठाया उन्होंने चक्र कहां से, कुरुक्षेत्र से, और चक्र को उन्होंने फेंके। जब चक्र को फेंका वो चक्र घूमते 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 कहां पर गिरा, एक चक्र, इसलिए एक चक्र गिरा जहां पर एक चक्र नहीं गिरा था, क्योंकि कृष्ण को पता था यही पर मेरे अभिन्न स्वरूप श्री दाऊ भैया श्री नित्यानंद प्रभु रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ेगा एक चक्रा। कौन कौन एक चक्रा गए हो, हाथ उठाओ, कौन कौन गए हो, कौन जाना चाहते हो, इस बार जब हम चलेंगे, हर साल जाते हैं, इस बार जब चलेंगे, किरणा दीदी तुम भी इसको ले चलना, ये सारा दुनिया घूमती है लेकिन असली जगह पर जाती नहीं। देखो शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है करोड़ों करोड़ों बार कोई तीर्थ कर ले जो पुण्य मिलेगी, एक बार नवद्वीप जाने से उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य है, वहां जाने से जितने पाप हमारे नष्ट हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सारा दुनिया गए, अगर नवद्वीप नहीं गया तो कहीं नहीं गए। इस बार इनकी प्लेन में टिकट करा दो, अगर ये पैसा नहीं दे मैं पैसा दे दूंगा, अरे तो साथ में लेकर जाना, ठीक है। अभी हम नित्यानंद प्रभु कैसे जन्म हुए राहण देश में, अभी इसका हम कीर्तन गाएंगे, आप लोग पीछे 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 गाओ कीर्तन, ये बगला कीर्तन है, कहाँ कौन सा है, राहण देश नाम, इसलिए इनका पिता माता का नाम किया, कैसे वो जन्म हुए हैं ये सब इसमें विवरण है, हम ये भजन गाएंगे और वो प्रभु लोग वहाँ अभिषेक करेंगे, नित्यानंद का अभिषेक करेंगे, हम लोग सबके सब अभिषेक
Thank you.
Thank you.
श्री कृष्ण चैतन्य
श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदो में मेरा अनंत मंडल में प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित ज्येष्ठ गुरु भक्तों सभी के चरणों में दंडो प्रणाम तथा उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में गुरु जी ने आज्ञा दी नितान गुरु जी के विशेष सुनाने के लिए जो भी मैंने हरि गुरु वैष्णव सुना है उन्हें सुनाने का प्रयास करता हूँ। आज नित्यानंद त्रयोदशी है और बहुत ही अच्छी तिथि है। आज के ही दिन जैसा गुरु जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे भगवान से अभिन्न बलदेव प्रभु के ही स्वरूप स्वयं बलदेव प्रभु ही नित्यानंद प्रभु के रूप में इस धराधाम पर आज के ही दिन आए थे। एक चक्र ग्राम के अंदर एक चक्र स्थान बताया गुरु जी ने, वो ही स्थान जहाँ पर वो जो चक्र जो कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए उठाया तो उसको फेंका था, जब वो किसी काम में आया नहीं तो उसको फेंका, जहाँ जाकर के वो गिरा वो कौन सा ग्राम था? एक चक्र ग्राम। तीन घंटे का रास्ता हम लोग जाते हैं, बड़ा सुंदर स्थान है। वहां पर नित्यानंद प्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर लीला, बड़ी ही सुंदर सुंदर लीला। नित्यानंद प्रभु जो थे जब छोटे बच्चे वो कभी भी साधारण बच्चों के जैसे खेल नहीं खेलते, बड़े अद्भुत वो खेल खेलते थे, जैसे राम लीला के कृष्ण लीला के सारी की सारी लीला वो किया करते थे। नित्यानंद प्रभु कई सारी तो लीला वो करते थे, लेकिन एक बड़ी विशेष लीला अभी चैतन्य भागवत चल रहा था तो यही पाठ में रोज शाम को था, आप लोग भी आ सकते हैं सुनने, बड़ी सुंदर लीला होती है। उसमें एक बड़ी सुंदर लीला थी, एक बार नित्यानंद प्रभु अपने सभी सखाओं के साथ में राम लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रामलीला। नित्यानंद प्रभु जब कोई भी पाठ ले ना, जैसे अभी रामलीला के अंदर वो लक्ष्मण का रोल निभाएंगे, कौन सा रोल? लक्ष्मण का। वो ऐसे नहीं, वो पूरे अपने आप को लक्ष्मण एक तो है ही, स्वयं लक्ष्मण, जो वो लक्ष्मण का रोल करेंगे तो ऐसे जैसे मैं ही लक्ष्मण और उसमें बिल्कुल हो जाएंगे। तो जब लीला किस प्रकार करते थे, लीला किस प्रकार करते थे, जैसे जितने सारे बच्चे ना सबको बोल देंगे तुम हनुमान बनना, तुम सुग्रीव बन जाना, तुम सेना बन जाओ, तुम राम बन जाओ, तुम रावण बन जाओ, सबको कुछ ना कुछ बना दिया करते थे और खुद क्या बन जाते थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण बन जाते थे। कभी सेतु पुल बन रहा है, कभी युद्ध हो रहा है, कभी वानर और राक्षसों का महायुद्ध हो रहा है, ये सारी की सारी लीला नित्यानंद बच्चों के साथ खेल खेल में खेल रहे। लेकिन जब युद्ध की समाप्ति लगभग निकट आ गई है उस समय पर उन्होंने पूरी पहली समझा रखा है किसको क्या करना है रोल। उन्होंने पहली समझाया था, देखो मैं लक्ष्मण बनूंगा और रावण का जो बेटा है ना मेघनाथ मेरे को बाण मार देगा, और जब वो मुझे बाण मार देगा और मैं मूर्छित हो जाऊंगा, और जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो मैं होश में नहीं आऊंगा, तो तुम जाकर सुषेण वेद को ले आना, जो सुषेण वेद बड़ा लड़का उसको ले आना, वो मेरे को हनुमान को बोलेगा, हनुमान जी क्या लेकर आएंगे? संजीवनी। और जब सुषेण वेद मुझे संजीवनी बूटी सुनाएंगे मैं फिर घोषणा सुना। अब वो तो खेलने लगे, अब लीला होते 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 वो मेघनाथ ने तो मारा बाण और नित्यानंद प्रभु तो धड़ाम करके गिरे और बेहोश, अब होश में नहीं आ रहे, अपने आप को लक्ष्मण मार करके लक्ष्मण लक्ष्मण का जो उसमें आवेश हो करके बिल्कुल खो करके सचमुच में उचित हो गए। सारे बच्चे उठा रहे हैं, नीता आई नीता वो उठ नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, सब लोग डर गए, अरे क्या हो गया, सचमुच में तो कुछ नहीं हो गया। वो सब सारे बच्चे डर के भागे अपने मम्मी पापा जूते उनके माता पिता को लेकर, क्या बोला देखो 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 नीताई को क्या हो गया। सब लोग पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग बड़ा प्रेम करते थे नित्यानंद प्रभु से, सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। जब आकर के देखा तो देखा तो ये बच्चा तो मूर्छित पड़ा। उस गांव का एक बड़ा विद्वान वैद्य था, उसने ऐसे करके देखा, बोला ये जो बालक है ना ये सचमुच में ही मूर्छित है, ये कोई गेम नहीं। उन्होंने पूछा तुम बताओ क्या कर रहे थे? तो एक बच्चा बोला कि हम लोग जो थे रामलीला खेल रहे थे, इनको मेघनाथ ने मारा और ये लक्ष्मण है ना अब इनको तीर लगाया तो ये बेहोश हो गए। तो वैद्य बोला अच्छा और क्या था? फिर बच्चों को याद आया, अरे हाँ हम तो बताना भूल गए, इन्होंने बोला था कि हनुमान जाकर क्या लेके आएगा? संजीवनी बूटी, और उससे ही मैं ठीक होऊंगा। तो बोला हनुमान कौन बनाए? तो वो एक लड़का बोला मैं हनुमान बना। बोला बूटी कहाँ से लाने को बोला था? उधर दूर उधर टीले से लाना। बोला जाओ लेकर के आओ। वो हनुमान जी गए जाकर के वहां लेकर के आए और सुषेण वेद को लाकर संजीवनी दी, और सुषेण वेद लड़का बना था ना, जैसे उसने वो झूठा मोटा पत्ता जैसे ही लगाया नित्यानंद प्रभु को, बोला सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी वापस आ गए। नित्यानंद प्रभु साधारण लीला नहीं, वो जैसे स्वयं आवेशित होकर सारे के सारे रामलीला कृष्ण लीला करते थे। जब कृष्ण लीला बनेंगे ना स्वयं तो बलदेव है ही, बलराम बन जाते थे, बड़ी सुंदर सुंदर नित्यानंद प्रभु लीला करते थे। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के हो गए ना, तो वहां पर एक संत आए, एक वैष्णव आए, उनका नाम था लक्ष्मीपति। जब लक्ष्मीपति तीर्थ आए और उन्हें हड़ाई पंडित से बोला कि तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है, तुम्हारा बेटा बड़ा गुणवान है,
मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जब हड़ाई पंडित ने देखा ना, कह रही है तो मेरे निताई को ले जाना। वो तो दुखी हो गए बहुत, क्योंकि ऐसा बालक कोई खोना चाहता है कोई नहीं। इतने दुखी हो गए। लेकिन उनको किसी ने समझाया कि अगर कोई वैष्णव, अगर कोई ऐसे महान पुरुष आते हैं और अगर तुम्हें बेटे को मांगते हैं तो समझो उसमें हमारी भलाई है। उन्होंने उदाहरण दिया जिस प्रकार दशरथ थे ना, दशरथ जी के पास में वाल्मीकि आए थे और दोनों पुत्रों को मांगा था राम लक्ष्मण को मुझे दे दो, दशरथ महाराज देने को तैयार नहीं थे। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया था, देखो तुम अपने पुत्र को दे दो, अगर नहीं दोगे तो ये श्राप दे देंगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने दे दिया और वाल्मीकि ले गए और बड़ी सुंदर ताड़का वध हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ और जा करके जनकपुरी के अंदर जब सीता का स्वयंवर हुआ ना, और जब सीता जैसी सुंदर बहू आ गई, तब दशरथ महाराज बोलते हाँ सही बात, अगर साधु हमारे ले जाते तो हमारा कल्याण ही होता। यही सोच करके हड़ाई पंडित जी ने भी नित्यानंद रूपवान संत को दे दिया। उन्होंने पूरे भारत में जितने तीर्थ है सारे तीर्थों में भ्रमण किया। किस प्रकार माधवेंद्रपुरी जी से मिले, उनसे माधवेंद्रपुरी ही उनके गुरु जी हैं, गुरु जी से मिले, कितनी सुंदर वहाँ पे वार्ता हुई है। ऐसी वार्ता हुई है कि दोनों मतलब खो गए गुरु शिष्य की। ऐसी बातें चैतन्य भागवत के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा उनका जो बीच में जो संवाद है वो दोनों ही खो गए आवेश में, दोनों ही भाई आवेश में नहीं आ पा रहे। बड़ी मुश्किल से शिष्य ने जैसे तैसे वो करके फिर निकलन प्रभु की आगे तो कही। फिर निकलन प्रभु जब वृंदावन में जा करके, जब वो थोड़े बड़े हुए वृंदावन में जा करके कन्हाई 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 पुकारते थे कि अरे कन्हैया तुम कहाँ चले गए। वृंदावन में जगह जगह जाकर के पूछ रहे अरे मेरा कन्हैया किधर है, मेरा कन्हैया किधर है। लेकिन ब्रज में कन्हैया है ही, तब कहीं से किसी मंदिर से आवाज आई कि जो ब्रज का कन्हाई है वो कन्हाई नवदीप में निवाई होकर के आए हैं, तुम कहाँ जाओ, नवदीप चले जाओ। जब नित्यानंद प्रभु ने बात सुनी तो वो कहाँ पर आ गए, नवदीप में। महाप्रभु का ध्यान करते करते उनके देश महाप्रभु करते करते नवदीप में आ गए। और नवदीप में आकर के बोला अगर मेरे सचिनंदन, अगर मेरे गौर हरि अगर मेरे को जानते होंगे तो मेरे को अपने आप पहचान जाएंगे। और वो जाकर के नंदनाचार्य गंगा के उस पार, जो नंदनाचार्य जी का जो भवन है उसमें जाकर के वो छुप गए। महाप्रभु बोल रहे हैं जरूर नवदीप में कोई महाभागवत आया है, जाओ शिवास पंडित तुम जाओ अपने सब शिष्यों को ले जाओ और जाकर के ढूंढो, देखो कि वो महापुरुष कौन है और कहाँ पर आया है। सब लोगों ने ढूंढा लेकिन कहीं पर मिले नहीं। बोले महाप्रभु कोई नहीं मिला। महाप्रभु बोले अब तुम सब मेरे साथ चलो। सब जाकर के नंदनाचार्य पर जाकर के उन महाप्रभु ने इशारा करा और जो वो करते जब कृष्ण का इतना सुंदर जब ये जो श्लोक भागवत का, जब कृष्ण के रूप के जो सुनन बढ़ना सुनी ना, नित्यानंद प्रभु जहाँ छुपे थे ना वहां से नाचते बाहर आ गए और वहीं पर ही पहली बार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का मिलन हुआ। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। अब आगे की लीलाएं बताएंगे हम सब लोग प्रभु के श्री कृपा से। सब जानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु पहले उन्होंने छुप करके सोच रहे हैं अगर वो सचमुच से मेरे प्रभु होंगे कौन श्रीमान महाप्रभु, वो मेरे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। वो जा करके नंदन आचार्य घर में छुप गए। अभी तो महाप्रभु सब जानते हैं। महाप्रभु ने बोले देखो मैंने स्वप्न देखा एक ताल ध्वज, तीन रथ होता है, नंदी ध्वज ताल ध्वज और देवदल, ये तीन रथ है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों का तीनों रथ है। कहते श्री बलदेव प्रभु का रथ में जो चिन्ह है वो ताल ध्वज है। बलदेव प्रभु ने वध किया था ना किसको, भगवान ने बध किया था धेनुदास को, वो ताल बने उसमें ताल है इसलिए वो रथ का नाम ताल ध्वज। मैंने स्वप्न देखा एक सुंदर ताल ध्वज रथ है और एक बहुत बड़ा महापुरुष आकर के हर घर घर में ढूंढ रहे हैं ये क्या निमाई का घर है, ये क्या महाप्रभु का घर है, निमाई बोलकर ढूंढ रहा है, जाओ वो महापुरुष को निकाल करके लाओ। अभी भक्त लोग गए सब जगह पर घर घर में गए, कहां श्री महाप्रभु, कहां पर नित्यानंद, लेकिन तन्न तन्न कर ढूंढे लेकिन मिले नहीं उनको मिले ही नहीं। जब मिले ही नहीं वापस आ गए तो प्रभु हमें तो कहीं नहीं मिले, इतने में महाप्रभु बोले मेरे साथ में आओ। जब उनको साथ में गए
प्रसिद्ध महाप्रभु को नंदन आचार्य के सीधा ले गए, सीधा ले गए कि फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलन हुए। तब यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भैया इसका तात्पर्य क्या है, कहते इसका क्या रहस्य है। भक्त लोग तो गए घर घर में ढूंढे लेकिन उनको मिला ही नहीं, लेकिन मिला किसको, महाप्रभु को मिला। इसका रहस्य क्या है, तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं जो नित्यानंद प्रभु कौन है, ये गुरु है। हम लोग कहते हैं ना हमारे गुरुदेव कौन है, अभिन्न नित्यानंद प्रभु, अखंड नित्यानंद तो श्री गुरुदेव हैं, अखंड नित्यानंद। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो करते हैं हमारे गुरु जी भी वही काम कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, ठाकुर का सेवा प्रचार कर रहे हैं, हमारे गुरु भी उसी परंपरा में आ करके वही काम को कर रहे हैं गुरुदेव। इसलिए नित्यानंद प्रभु अभिन्न गुरु तत्व, गुरु तत्व होने का नाते यहाँ पर सिखा दिया भैया जो गुरु तत्व है ना उनका नाम गुरु। गुरु मतलब होता है भारी का भोजन, जिसके अंदर में भोजन बा भारी, वो गुरु तत्व है। लेकिन जो गुरु तत्व वो सब सभी व्यक्ति गुरु को ढूंढ नहीं सकते, इसलिए सबको भेजा, वो सबके सब गए लेकिन उनको ढूंढ करके निकाल नहीं पाए। लेकिन निकाला किसने, महाप्रभु। निकाला किसने, महाप्रभु। तात्पर्य क्या, तात्पर्य है कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को जीवन में ये सद्गुरु की प्राप्ति होती है, हैं? सद्गुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे प्राप्त होता है, बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। कहते भैया हम तो गुरु जी से मंत्र लिए लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नाम फिर आया, गुरु कृष्ण प्रसाद है, बोले गुरु कृष्ण की कृपा से ही तुम्हें ये सद्गुरु मिलेगा। बोले इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है जब तक कृष्ण कृपा नहीं करेंगे ना भैया सद्गुरु को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हम लोग क्या सोचेंगे सबसे बड़े साधु कौन है, बोले जिसको पास हजार हजार दरबार है, जिनके करोड़ों करोड़ों चेला हो, हाँ बड़े सिंहासन हो, हाँ जो एकदम प्लेन में उड़ता हुआ हो, और बड़े नाम हो, जिसके करोड़ों करोड़ों शिष्य हो, बड़े मोटे छोटे हो, लंबे तिलक हो, हाँ? फिर हम सोचते भैया यही तो सबसे बड़े हैं, लेकिन देख आप पता चलेगा सब के सब जेल में बैठे हैं, ये सब के सब जा करके जेल में बैठे हुए सब के सब है। इसलिए भैया सतगुरु को हम ढूंढ नहीं सकते, पर सतगुरु को कैसे ढूंढ सकते हो, कौन हमें वो सतगुरु तक पहुंचाएगा, कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक कृष्ण कृपा नहीं होना भैया हम सतगुरु के पास में नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रभुपाद जिसका अंदर में कपट है ना, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं, भगवान उसको वहां तक वहां उधर उधर भेज देते हैं, सतगुरु के पास में ठाकुर जी नहीं ले जाते उनको इधर उधर। अपसंप्रदाय जो लोग जिनकी भक्ति से कोई मतलब नहीं वो अपसंप्रदाय की तरफ उनको ले जाते हैं, बोले वहीं पर तू जा। बोले क्यों, बोले तुम्हारे हृदय में सचमुच से हृदय से भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं, इसलिए उनको सत परंपरा में नहीं लाते गुरुदेव, उनको ठाकुर जी दूसरे तरफ में भेज देते हैं। और जिसके हृदय में निष्कपट रूप में हैं तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि जोगमतम जन माम उपजानती थे। भगवान कहते हैं सच हृदय से जो मुझे ढूंढता है उसका बुद्धि प्रेरणा मैं देने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पर बताए जब कृष्ण कृपा अगर किसको ले जाए ना फिर तो वही व्यक्ति सदगुरु के पास में पहुंच सकता है। इसलिए ये सबके सब ढूंढे लेकिन वापस आ गए, लेकिन कौन नित्यानंद प्रभु को ढूंढे, महाप्रभु। महाप्रभु कौन, कृष्ण, महाप्रभु कृष्ण। इसलिए कृष्ण ही जीव को सदगुरु के पास में लेकर के पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद इसकी तात्पर्य कहते हैं। हमारे बीच में हमारे एक नवीन प्रभु जी, वो थोड़ी सी कथा सुनाए आज। ये नवीन प्रभु जी इनकी भी यहाँ पर धर्म पत्नी है, कहाँ है, है प्रिया है कहीं, कहाँ है वो, कहाँ है तुम्हारी बीवी, कहाँ गई, कहाँ गई वो, बाहर क्या कर रही, ऊपर क्या कर रही, बोला नीचे भेजो। हाँ कहती है दोनों पति पत्नी बड़े प्रचार करते हैं, आप सोच नहीं सकते सचमुच से दोनों पति पत्नी ठाकुर का पालिक निकालते हैं और घर घर में पालिक यात्रा ले जाते हैं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, ये भी मॉडल का काम पहले किया है, मॉडल का काम, और दोनों ही मिल करके भागवत कथा हर साल करवाते हैं। और इस बार भागवत कथा हुई ना, इन्होंने घर घर में गए,
सबको हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना की, कथा हो रही है, कथा हो रही है। और जिसमें कथा हो रही थी ना, इतनी ठंडा थी, इतनी ठंडा थी उस समय में, हम सोच नहीं सकते, हम बैठना दिक्कत हो रहा था। लेकिन उसी समय भी बहुत भक्त लोग आए थे, ये दोनों पति पत्नी मिल करके गुरु वैष्णव की से खूब सेवा करते हैं दोनों मिल करके। इसलिए ठाकुर जी इनको खूब आशीर्वाद दें। हरी बोलो। नमो विष्णु पादाय श्री राधिकाय प्रियार्थने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन पदारे माधुर्य गणेश वृत्तम वरम वरण्य पुरुषम महांतम नारायणम तम शिक्षा नमामि। नमो महाबुदाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरधीश्वर नमः। श्री कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगत प्रत्येक गोपेश नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत राधा श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु जी नित्यलीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे बीच पूज्य भक्ति वेदांत श्रीनाथ महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आज नित्यानंद त्रयोदशी है, आज मैं स्थिति को प्रणाम करता हूँ और जो अखंड गुरु तत्व बलराम जी से नित्यान प्रभु हैं उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में जीत प्रभु मठ के ब्रह्मचारी वृंद आप सभी के चरणों में माता वृंदा के चरणों में मेरा यथाजोग्य धन प्रणाम। देखिए आता तो कुछ है नहीं बोलना, लेकिन महाराज जी का आदेश है तो महाराज जी को शक्ति दें जो बुलवाएं भाई मुँह से निकले, तो ऐसी इच्छा है, ऐसी प्रार्थना है महाराज जी के चरणों में। नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएँ आती है चैतन्य भागवत में, तो एक बार ही महाप्रभु ने क्या कहा नित्यानंद प्रभु को कि मेरी दीर्घ काल से एक इच्छा है, तुम क्या करो, तुम अपना कॉपी है ना वो मुझे दे दो। तो नित्यानंद प्रभु ने जिस किसी प्रकार से महाप्रभु ने वो कॉपी ले लिया और उस कॉपी के ना जितने सारे भक्त थे आसपास उतने ही चिथड़े कर दिए, चिथड़े कर करके सबको क्या कहते हैं इस कॉपी को आप अपने मस्तक में बांध लो और ध्यान रखना ये कॉपीन जो है इसको साधारण मत समझना, ये भगवान शिव के लिए भी अत्यंत पूजनीय है, तो अन्यों का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो जो कॉपीन था वो किनका था, नित्यानंद प्रभु जो कि कृष्ण के ही प्रथम विस्तार हैं उनका था। तो उन्होंने बोला कि जो नित्यानंद प्रभु को साधारण मत समझना, महाप्रभु सब भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रथम विस्तार हैं, जब तक किसी व्यक्ति पे नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती वो भक्ति के परम शुद्ध भक्त को शुद्ध परम भक्ति के परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं सबके मूर्तिमान स्वरूप कौन है, नित्यानंद प्रभु। इसलिए तुम क्या करो इस कॉपी के जो वस्त्र को चिथड़े को अपने मस्तक पे बांध लो और सम्मान पूर्वक सुसम्मान पूर्वक इसकी पूजा करो। फिर सब भक्तों ने अपने मस्तक पे बांधा, फिर महाप्रभु ने कहा सब भक्तों को अब तुम क्या करो नित्यानंद प्रभु के चरणों का जो चरण कमलों को धोकर क्या करो उसका पान करो। सबने अभिषेक किया नित्यानंद प्रभु के चरणों का और फिर क्या किया सब पान कर रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस चरणामृत को बांट रहे हैं। बांटते बांटते महाप्रभु ने देखा सब भक्त लोग क्या कर रहे हैं, उस समय जो नित्यानंद प्रभु की जो स्थिति थी वो अपने बाह्य आवेश में नहीं थे, तो दिव्य माथी अवस्था में थे और मुस्कुरा रहे थे मन मन। तो ऐसा करते करते देखते देखते महाप्रभु ने क्या किया सबको चरणामृत बांट रहे हैं और भक्त लोग क्या कर रहे हैं, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरे सारे भौतिक बंधन नष्ट हो गए, और कुछ भक्त कह रहे हैं कि आज मेरे चरणामृत इतना स्वादिष्ट था नित्यानंद प्रभु अभी भी जीवा पे लगा हुआ है, कोई कह रहे हैं आज मुझे मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया, किसी भक्त ने कहा कि जो मुझे आज कृष्ण मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कृष्ण दास हूँ। इस तरह से सारे भक्त अपनी अपनी इच्छाएं प्रकाशित कर रहे हैं, जो जो उनके हृदय में भावना उत्पन्न हुई भावनाएं प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते जब काफी समय हो गया तो कोई नाचने लग गया कोई गाने लग गया सब भाव विभोर हो गए, उधर महासंकीर्तन हुआ नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सब लोग नाच रहे हैं। तो ऐसा करते करते जब बहुत समय हो गया शाम हो गई नाचते नाचते
तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जब साथ में बैठे थे और सब भक्त लोग भी आ गए, तो महाप्रभु ने क्या किया, तीन तारियां बजाई, एक दो तीन। ऐसे करने के बाद महाप्रभु ने कहा, सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। वो क्या है कि नित्यानंद प्रभु वो कौन है, वो मुझसे अधीन है। जो व्यक्ति मेरी पूजा तो करता है, साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु की पूजा करता है, उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर वो मेरी पूजा करता है लेकिन नित्यानंद प्रभु की पूजा नहीं करता, तो मैं उसको त्याग कर देता हूँ, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम जैसे महाप्रभु को तो माने, नित्यानंद प्रभु को ना माने, तो क्या महाप्रभु हमसे प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे। क्यों? नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व, भगवान के प्रथम विश्वास, भगवान ने स्थान स्थान पे चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, श्रीवास जी को, राघव पंडित जी को, बहुत सारे और भी भक्तों को क्या किया है, अपने से ज्यादा नित्य प्रभु की महिमा के विषय में कीर्तन किया है। उनके उनके हृदय में श्रीवास जी से पूछा है एक बारी कि तुम्हारे हृदय में क्या अच्छा है, तुमने अपने घर में इस अवधूत को क्यों रखा हुआ है, तुम क्या करो, तुम इनको अपने घर से निकाल दो, इसका पता नहीं, इसकी जाति का पता नहीं, कहाँ से आया, कौन है, तुम इसके ऊपर अत्यधिक उदार मत हो, कल को इसके रहने से क्या होगा, तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो श्रीवास जी बोलते हैं कि हे महाप्रभु, इस प्रकार मेरी परीक्षा लेना उचित नहीं है आपके आपके द्वारा, क्योंकि मैं जानता हूँ नित्यानंद प्रभु आपसे अभिन्न तत्व हैं, इसीलिए जो नित्यानंद प्रभु के मैं तो पूजा करूँगा ही करूँगा, अगर उनकी पूजा करने से मेरा धन संपत्ति मेरी जाति सब कुछ खराब हो जाता है ना, तो भी मैं उनकी पूजा किए बिना नहीं रह पाऊंगा। चाहे नित्यानंद प्रभु मदिरालय भी हैं, मदिरालय में जाएं, चाहे नित्यानंद प्रभु क्या करें किसी वैश्यालय में जाएं, तो भी नित्यानंद प्रभु मेरे लिए अत्यंत पूजनीय रहेंगे। तो महाप्रभु ने कहा, अरे नित्यानंद तूने क्या कहा, फिर से बोलना। इस तरह से महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित हुए। ऐसा होने पर तो महाप्रभु उनसे बड़े प्रसन्न हुए, कहते तुमने तो मुझे खरीद लिया, आज से नित्यानंद प्रभु क्या है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम नित्यानंद प्रभु की सेवा दिल लगा के करो। तो समय समय पर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के तत्व को प्रकाशित किया। एक समय एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने क्या किया, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, वो पूरे नवदीप अपना नवदीप में क्या करते थे, भ्रमण, महान वैष्णव है, महान सन्यासी है, लेकिन मैं जो देखता हूँ अपने से, मुझे दिखता है कि नित्यानंद प्रभु पान चबाते हैं, सन्यासी को तो पान चबाना चाहिए नहीं, नित्यानंद प्रभु रेशमी वस्त्र पहनते हैं, उनको तो कोपीन पहनना चाहिए घेरे वस्त्र का, नित्यानंद प्रभु क्या होते हैं, त्रिदंड के स्थान पे, दंड के स्थान पे क्या करते हैं, लोहे की छड़ी को धारण करते हैं, और क्या करते हैं, सोने चांदी आदि रत्नों से बने आभूषण एक सन्यासी के लिए वर्जित हैं, वो इन सबसे बने आभूषणों को धारण करते हैं। तो संशय हो गया, और वो महाप्रभु के प्रति उनके हृदय में प्रीति थी। उस समय महाप्रभु थे नीलाचल देश में, नीलाचल। तो जो ये ब्राह्मण था, इन्होंने क्या किया, ये ब्राह्मण वहां पे चला गया नीलाचल में, वहां पे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। वहां पे नीलाचल जाने के बाद ये रोज महाप्रभु के दर्शन करने जाया करता। जब दर्शन करने जाता, दिखता महाप्रभु के दर्शन करते, दर्शन करने के पश्चात एक दिन ऐसा आया, डेली जाता दर्शन करने, एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु मैं आपका अत्यंत तुच्छ सेवक हूँ, अगर आप मुझे अपना छोटा सा भी सेवक समझते हैं, अगर आपकी मुझ पर लेश मात्र भी कृपा है, तो मुझे एक संशय हो गया है, आप कृपा करके कीजिए। तो महाप्रभु ने मन भरी मुस्कान से कहा, क्योंकि वो निष्कपट रूप से पूछ रहे थे कि मुझे संशय है, कपटता उनके हृदय में थी नहीं उस ब्राह्मण के। तो उन्होंने पूछा, बताओ, कहते नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, सभी लोग बोलते हैं बड़े महान हैं, लेकिन मुझे उनके ऊपर संशय है। उन्होंने ये सब बातें बताई कि पान खाते हैं, सन्यासी के जैसा जैसे निम्न जाति वालों से मिलते हैं, शुद्ध जाति वालों से मिलते हैं, तो इस तरह से व्यवहार करते हो, तो मुझे इनका व्यवहार उचित नहीं लगता, क्या कृपा करके आप मेरे संशय को दूर करेंगे। फिर महाप्रभु ने कहा, देखो जो महापुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, वो समस्त दोषों से मुक्त होते हैं, उनको कोई दोष स्पर्श नहीं करता। जैसे कि बोला जाता है कि वो प्रत्येक जीव को समान दृष्टि से देखते हैं, और वो कमल के पत्ते के समान बिल्कुल इस संसार में रहते हैं। इतना ही नहीं, वो जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु संसार में रहते हैं, वैसा जीव आत्मा कोई है नहीं। महाप्रभु ने बड़ी स्तुति की। उसके पश्चात महाप्रभु ने कहा, जैसे नित्यानंद प्रभु की जो
कार्यों की जो नित्य प्रभु की जो नकल करता है उसका अवश्य क्या होगा, वो अवश्य उसको अत्यंत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जो शिवजी थे जैसे शिवजी की नकल करके अगर कोई विषपान करेगा तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जैसे अग्नि सर्वभक्षी है, अग्नि सर्वभक्षी होने पर क्या करती है, सारी गंदी गंदी चीजों को निकल कर फिर भी परम पवित्र और अप्रभावित बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार नित्य प्रभु की जो कार्यों की नकल करता है वो उसको भयंकर परिणाम होते पड़ेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा जो व्यक्ति महापुरुषों का उपहास करता है या हंसता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी गति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। भागवतम बोलती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु पुत्रों को गुरु दक्षिणा में उनको यमराज यमलोक से लेकर आए, उनके पुत्र को, किसके पुत्र को, माता सॉरी से वो लेकर आए। उससे पहले कहता है अपना वर्ण जब देव की माता ने कहा कि तुम अपनी गुरु के पुत्र को लेकर आए थे, फिर देव की माता को जब पता चला तो देव की माता ने बोला कि जो मेरे 6 पुत्र मारे गए थे आप उनको भी ला के दीजिए। फिर वो चले गए कहाँ पे, राजा बली के लोक में। बली के लोक में जाने के पश्चात क्या हुआ, बली महाराज ने उनकी बड़ी स्तुति की, उनकी आरती पूजा वस्त्र आभूषण दान किए, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, समय का तो अभाव है, आप बस नित्यानंद प्रभु के चरणों में जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही गुरु जी की प्राप्ति होती है वो अत्यंत दूर करते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु की प्राप्ति होती है और नित्यानंद कृपा से ही क्या होता है, राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए इसकी इस व्यक्ति की नित्यानंद प्रभु के चरणों में अगाध श्रद्धा है, अटूट प्रेम है, तो महाप्रभु कहते हैं मैं उसके हाथों में दे जाता हूँ, मुझे उसके उसको देने के लिए कुछ और नहीं पड़ता। और उसी हमारे महाराज जी, देखिए हम लोगों की इतनी कृपा है, हमारे महाराज जी हम लोगों को इस तिथि का पालन करवा रहे हैं और महाराज जी ही हमारे आचार्य हैं, बहुत अच्छे तरीके से कितना प्रचार करते हैं। इनके सामने कोई छोटा बच्चा भी आ जाता है ना जिसको कुछ नहीं आता, महाराज जी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उत्साह देते हैं। अब जैसे हमारा कुछ रोल नहीं है, जो भी रोल है महाराज जी का रोल है, फिर भी महाराज जी प्रशंसा करते हैं। जैसे पिता होता है ना अपने बच्चे की बड़ी प्रशंसा करता है, बच्चा अंधा हो काड़ा हो, ऐसी हमारी हमारे महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी के लिए जोरदार पा दिया। वो बोल रहा था नहीं महाराज मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बोला तो समझ नहीं हो रहा है, अगर बोलना आता तो पता नहीं क्या बोलते। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वर की प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज बहुत ही पावन तिथि, नित्यानंद प्रभु का जन्म है कह सकते बर्थडे। आज मैंने बहुत कोशिश करी नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ने की। नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है इतना जटिल है कि मेरे तार फेल हो गए दिमाग के समझने में। जैसे कि प्रभु जी ने बताया ना कि वो तत्व नित्यानंद प्रभु जी की लीलाएं कैसी हैं, बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। कहीं पे जैसे उन्होंने बताया कि वो कभी कभी पान खाते थे, एक सन्यासी को पान खाना मना है, तो उन्होंने संन्यास लेते हुए भी शादी करी, सन्यासी शादी नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी लीलाएं अगर इनका विचार करने जाए तो देखने में लगता है कि इसका क्या वर्णन करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है, कृष्ण तत्व समझना आसान है, पर लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझने जाएंगे तो इतना जटिल है, मेरे उसकी तो बात नहीं है। तो मैंने गुरु जी का 2008 में गुरु जी ने एक लेक्चर दिया था, उसी लेक्चर को सुना, उसी में से थोड़ा बहुत जो समझ पाया उसी को वर्णन करने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव उस लेक्चर को स्टार्टिंग करते हैं, श्रुति स्मृति शास्त्रीय स्मृति श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं हो पाया। बोले कि हम कोई बोलता है कि मैं स्मृतियों की वंदना करता हूँ, कोई बोलता है मैं शास्त्रों की वंदना करता हूँ। बोले मैं किसकी वंदना करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ नंद बाबा की। बोले क्यों, बोले नंद बाबा के आंगन में कौन खेल रहा है, बोले जो 16 कला में परिपूर्ण
पर ब्रह्म जिस योगियों की जो उपासक है कौन बोले ज्योति ब्रह्म ज्योति जो उनके उपासक है जहां वो जाना चाहते हैं वो कृष्ण की क्या मात्र है बोले नख है नख की छटा है वो कृष्ण की नख की छटा है ऐसे कृष्ण कहाँ खेल रहे हैं नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल रहते हुए वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं किलकारी मार रहे हैं तो बोले मैं किसकी आराधना करता हूँ मैं किसकी वंदना करता हूँ मैं नंद बाबा की वंदना करता हूँ जिनके आंगन में ऐसे कृष्ण किलकारी मारते हुए खेल रहे हैं बोले मैं किसकी आराधना करता हूँ मैं अपने गुरुपाद पद्म की आराधना करता हूँ कि मुझ जैसा मूढ़ व्यक्ति मंद बुद्धि आज यहाँ खड़ा होकर के अभिन्न गुरु तत्व अखंड गुरु तत्व नित्यानंद रूपाद पद्म के बारे में कुछ बोलने की चेष्टा कर रहा है यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं किसकी वजह से बैठे हैं एकमात्र गुरुपाद पद की वजह से बस अपने गुरुपाद पद के चरणों की वंदना करता हूँ बताते कि नित्यानंद प्रभु कौन है नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है बोले उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें और ब्रीफ में जाना होगा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य एक श्लोक में बोलते हैं बोले सर्व अवतार कृष्ण स्वयं भगवान मतलब कि कृष्ण जो सर्व अवतारी है वही स्वयं भगवान है पर बलदेव प्रभु कौन है बोले अभिन्न तत्व है कृष्ण से कैसे कि सिर्फ देह मात्र का भेद है और कृष्ण में और बलदेव प्रभु में कोई अंतर नहीं है इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में लिखते हुए बताते हैं आजान उलंबित भुजो कनकावधातो संकीर्तने के विद्रो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो संकीर्तने बंदी जगत पे करो करुणा अवतारो बोले इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिर्फ महाप्रभु के बारे में नहीं बोल रहे बोले किसके बारे में बोल रहे इस श्लोक में द्विवचन यूज हुआ है बोले कैसे बोले आजानु लंबित भुजो तो ये जो जौ है ये द्विवचन है ये श्लोक किसी भी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है यहाँ पे दो लोगों का वर्णन हुआ है बोले किसका बोले एक महाप्रभु का और एक नित्यानंद प्रभु का बोले उनका स्वरूप कैसा है आजानु लंबित भुजो बोले उन दोनों की लंबी लंबी भुजाएं हैं और उनके अंग कांति कैसी है बोले स्वर्ण की जैसी उनकी अंग कांति है गोरी अंग कांति है मैं जानता हूँ कि मेरे जब मैं बोल रहता हूँ तो कुछ लोगों को नींद आने लग जाती है क्योंकि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सरल करके बोलने की कोशिश करूंगा तो बोले उनकी अंग कांति कैसी है बोले दोनों की गौर वर्ण अंग कांति है दोनों ही विश्व के पालक हैं दोनों ने ही बोले क्या क्या किया बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ का आह्वान किया और दोनों ही क्या करते हैं हरिनाम रूपी संकीर्तन को चलाते हैं ऐसे श्लोक में उनका वर्णन किया हुआ है आगे बताते हैं कि जैसे कृष्ण कभी भी ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते वैसे बलदेव प्रभु भी ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाते बोले महाप्रभु भी पांच जगहों को छोड़ करके कहीं नहीं जाते मुझे पांचों जगह तो पूरी पता नहीं है कोशिश करूंगा बताने की तीन जगह बताएं बोले कहां पहले सची माता के मंदिर से दूसरा राघव पंडित प्रभु के जो कीर्तन है वहां से तीसरा नित्यानंद प्रभु के हृदय से और दो जगह मुझे पता नहीं है तो बता दे ऐसे ही नित्यानंद प्रभु भी कहीं जहां पे चैतन्य महाप्रभु है वहां पर नित्यानंद प्रभु प्रकाशित रहेंगे ही रहेंगे बोले कैसे कहीं पे प्रत्यक्ष रूप में और कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप में एकमात्र कृष्ण है जिन्होंने रासलीला करी है कृष्ण के अलावा अगर किसी ने रासलीला करी वो है बलदेव प्रभु तो यहाँ पर भी देखा जाए नित्यानंद प्रभु सन्यासी होते हुए भी उन्होंने कितनी शादी करी दो शादी करी दो शादी करने के बाद फिर सन्यास ले लिया इस बात को समझना बहुत मुश्किल है मेरी समझ तो आया नहीं और अच्छी बात है नहीं आए तो नित्यानंद प्रभु भी जाए उसके बाद बलदेव प्रभु ने कृष्ण लीला में दो असुरों का वध किया बोले किसका एक गर्दभासुर का जो गधा था और एक बंदर का दोनों ही अपने अपने स्थान पर एक अलग अलग चीज को प्रकाशित करते बोले क्या एक अज्ञान का स्वरूप था और एक कपट का बोले नित्यानंद प्रभु ने भी वैसे उन्होंने बहुत लोगों का उद्धार किया पर जो मेनली उनकी जो कथा आती वो आती जगाई मधाई के लिए कैसे जगाई मधाई का जब उद्धार करने गए तो उन्होंने बोला कि एक बार कृष्ण बोलो एक बार राम बोलो तो उन्होंने कहा कि तू क्या हमसे बुलवाएगा उनके पास जो मदिरा का जो मटका था उनके सर पे दे मारा सर पे मारने का खून निकल रहा है पर लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उनको छोड़ा नहीं खून निकलने के बाद भी उनको उन्होंने उनका उद्धार किया यहाँ पे देखा पहले जो बलदेव प्रभु ने उद्धार किया वो अस्त्र के द्वारा किया पर यहाँ पे उन्होंने अस्त्र नहीं यूज किया बोले उनके हृदय से जो कपट था जो हृदय में जो उनके अंधकार था उसको विनाश किया बोले नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं बोले बलदेव प्रभु क्या करते हैं बोले जीव को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं बोले नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं वो भी सेम करते हैं बोले कैसे बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दो तीन बार सचिनंदन गौर हरि के पास गए कि मुझे आप अपने चरणों में स्थान दो लेकिन महाप्रभु ने क्या किया उनको ठुकरा दिया बोले क्यों अभी समय नहीं हुआ अभी वापस जाओ अभी घर जाओ अभी समय नहीं हुआ पर लेकिन जब वो एक बार जब नित्यानंद प्रभु का उन्हें पता चला तो नित्यानंद प्रभु के पास गए और जाकर दूर खड़े हो गए हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम कर रहे तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि तू वहां क्या खड़ा है इधर आ
दुष्ट चोर तू मुझसे मेरी संपत्ति चुराना चाहता है। बोले आज मैं तुझे दंड दूंगा। बोले क्या दंड दूंगा? आज सभी भक्तों को भंडारा कराओ। तो इस प्रकार से दंड देते हुए उन्होंने उनका, वैसे वो दंड नहीं था, दिखने पर दंड लगा पर वो दंड था नहीं वैसे ही। और फिर दूसरा, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जीवों को क्या करते हैं? गुरुपाद पद्म के ठाकुर जी के चरणों में सेवा को नियुक्त करते हैं। आगे बताते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु क्या है, अखंड गुरु तत्व है। बोले कैसे? बोले जो नित्यानंद प्रभु है वो अभिन्न तत्व है। किसके? श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से अभिन्न कौन है? बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु महासंकर्षण, अगर इसमें और एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इतना ही ठीक है। तो फिर महासंकर्षण, फिर कारण दक्षा विष्णु, फिर गर्भ दक्षा विष्णु और फिर शिरो दक्षा विष्णु। जो शिरो दक्षा विष्णु है यहाँ, तो फिर उसके आगे नित्यानंद प्रभु अपने आप को कहाँ एक्सपेंशन करते हैं? बोले गुरु के रूप में, जो हमारे सामने हमें विराजमान है, हमें सामने आकर के हमें मार्गदर्शन करते हैं कि यहाँ चलो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। भक्ति पद पर कभी कभी जब लड़खड़ाते हमें वहां से लेकर के आकर के हमें सही जगह पे ला करके खड़ा कर देते वापस। मैं आज जो यहाँ खड़ा हूँ, जो इतना बोल रहा हूँ, सिर्फ दो लोगों की वजह से, एक मेरे गुरुपाद पद्म, एक मेरे शिक्षा गुरु परमेश्वरी प्रभु। गुरुदेव मुझे मठ में लेकर के आए, पर मठ में जीवन व्यतीत कैसे करते हैं? धोती पहनना, चलना, खाना, बड़ों के सामने बात करना, सब कुछ किसने सिखाया मुझे? परमेश्वरी प्रभु ने। तो आज नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है, इस पर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी किसी जन्म में मेरी भी गुरुपाद पद्म के चरणों में श्रद्धा हो सके। वांछा मित्र जो वैश्य पास दामोदर प्रभु है क्या? दामोदर महाराज और हमारे राजकुमार इधर आ जाओ, दो दो मिनट बोल रहे, ज्यादा नहीं बोल रहा था, जल्दी आ जाओ सबके साथ, फटाफट आ जाओ सामने, सामने आ जाओ। कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सब पे मुझ पर कृपा करें, जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है हम उसको सार्थक करें। फिर पश्चात मंच आश्रम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में मैंने उनको भी दंडवत प्रणाम, उनसे उनकी अद्भुत कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर मुझ पर कृपा करें ताकि हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएं। और आज एक बहुत ही विशेष तिथि है, जिस तिथि को पालन करने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराज जी के अनुग्रह से में हम इस तिथि का पालन कर रहे हैं। तिथि क्या है? श्री नित्यानंद त्रयोदशी। इस अगर नाम ही ले, जो प्रभु का नाम है क्या है? नित्यानंद। ये जो जीव है, जीव कहने का तात्पर्य मेरे से क्या ढूंढ रहा है, ये क्या ढूंढ रहे हो आप? क्या ढूंढ रहे हो? आनंद ढूंढ रहे हो। कौन सा आनंद ढूंढ रहे हो? कैसा आनंद ढूंढ रहे हो? कैसा आनंद चाहिए आपको बताइए? कैसा आनंद चाहिए? नित्यानंद। मतलब क्या? नित्यानंद प्रभु आएंगे और अपने दंड लेके घूम रहे हैं, वो भी उनके हाथ खाली नहीं है, पता है? करी करी वेत्र है उनके हाथ में, छड़ी है, पर उस छड़ी से वो क्या कर रहे हैं? क्या जीवों को मार रहे हैं? तो पहले उस पे आते हैं कि हमें किस चीज की हम ढूंढ रहे हैं? आनंद। इस जड़ जगत में भी आनंद है नहीं है? है। अरे बोलो ना, है, है। और कह रहा नहीं है, है। किसने कहा नहीं है बताओ? तो घर छोड़ के यहाँ क्यों नहीं आते भाई? हाँ 10 बजे का प्रोग्राम आए 12 बजे, 2 घंटे कहाँ आनंद ले रहे थे? और अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा वो जड़ानंद। इस जड़ जगत में आनंद है तभी तो कुछ चल रहा है, पर वो आनंद क्या है? जड़ानंद है। जड़ आनंद, जड़ कहने का तात्पर्य क्या? किस वस्तु को जड़ कहते हैं बताइए? चलिए
जो जो नाश हो जाए। और ये तो हमारे गुरु भाई बोल रहे हैं, हम तो यहाँ से सुनना चाहते थे, जिन्हें नहीं आता। अच्छा एक बात, चलो पुरानी पुरानी कथाओं में हम यहाँ पे सभी वैष्णव हजार बार बोल चुके हैं, क्या कॉपी पेन ले आओ लिख लो, शायद कोई नई बात पता चल जाए। है नहीं, हमारे श्यामानंद प्रभु की कृपा से तो लाइव हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में कभी टाइम मिला तो देख लेंगे। अब ये जड़ शब्द का देखना, एक बार समझना जड़ क्या है। जो ये जड़ है इस संसार में, जड़ ये संसार को जड़ कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये तीन गुणों से चल रहा है। क्या है वो तीन गुण? सतो रजो और तमो। क्या करते हैं ये तीन गुण? राजसिक गुण है सृष्टि, सतो गुण क्या है? स्थिति, एक उसको एक स्थिति में रखता है, मेंटेन करता है। और तमो गुण, जब से रजो गुण ने कार्य किया, सृष्टि करी, तब से तमो गुण भी साथ में है, सतो भी साथ में है। क्या कर रहा है? धीरे 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 क्या कर रहा है? उसको प्रलय की तरफ क्षय कर रहा है, खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो जैसा कि प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जड़ कहने का तात्पर्य जो नष्ट हो। तो यहाँ का आनंद देखो कैसा आनंद है। पढ़ाई में इतना आनंद था कि मरते दम तक हमने पढ़ाई करी, कोई है ऐसा? शादी में इतना आनंद था कि हमने कितनी कितनी करी है? बच्चों में तो इतना आनंद था कि हमारा घर मतलब जड़ आनंद की सीमा नहीं है। तो माता जी बोले सीमा नहीं है, सीमा है। समझना इस तात्पर्य को हम समझेंगे कि प्रभु भगवान दयालु बोलते हैं, ठाकुर बड़ा दयालु है, ठाकुर बड़ा कृपालु है। कैसे है वो दयालु कृपालु? इस आविर्भाव तिथि से समझ में आता है, इस आविर्भाव तिथि से समझ में आता है। क्यों भाई? अगर महाराज जी के लिए रसोई बनाते हैं ना कोई माता बहन दीदी, अगर कोई आती है ना यहाँ प्रभु जी को फोन कर 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 के, क्या है, कैसे डालना, कितना नमक, क्या वो, क्यों क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि आपको शायद अभी हृदय की, अभी पूरा हृदय अंतरंग नहीं हो पाया है कि महाराज जी को क्या चीज क्या पसंद है। सही बात है ना? तो जो उनके सेवक भी हैं वो भी कैसे जानते हैं? क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। महाराज जी डांट डांट के बताते हैं, इसमें ये इतना क्यों डाल दिया, ये उतना क्यों कर दिया। सही बात है ना? तो ऐसे ही कृष्ण को प्रसन्न करने चले हैं, वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा करने चले हैं। जैसे कि हमारे मनमोहन प्रभु ने बताया कि क्या क्या कि नित्यानंद प्रभु या बलदेव प्रभु क्या अभिन्न है कृष्ण से। अरे एक रूप दो रूप लिए अभिन्नता है, क्यों? क्योंकि वही दयालुता है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे प्रसन्न हूंगा, ये कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, मैं को दो कर लिया, एक मैं कृष्ण, दूसरा मैं बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु। वही नित्यानंद प्रभु आज आ गए कि कैसे महाप्रभु को प्रसन्न करोगे, मैं बताता हूं। कैसे कृष्ण को प्रसन्न करोगे, मैं बताता हूं। तो वही कृष्ण दयालु होके, महाप्रभु दयालु होके नित्यानंद प्रभु रूप में आ रहे हैं, इस जीव को समझा रहे हैं कि देख तू आनंद के लिए घूम रहा है, कभी यहां भागता है, कभी वहां भागता है, कभी यहां रहता है, और होता क्या है, क्या आनंद मिलता है? सर पकड़ के बोलते हो ना, तुझे ही मांगना था भगवान से। हाँ ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छी। वो सारी माताएं ऐसे ही लाइन आती है, हाँ शायद गिरिराज जी की परिक्रमा में कहीं कमी रह गई हो। ओ दूध में पानी मिलाया था, किस लिए मिला? समझना क्या है, जो जड़ आनंद की चेष्टा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु आके समझा रहे हैं। और नित्यानंद के प्रभु के जो परिकर भी हैं वो उन्हीं का ही प्रकाश है, जो गुरु वैष्णव है वो क्या है, उन्हीं का ही तो प्रकाश है। देखो इतने कृपालु हो के आपके घरों में घुस घुस के आपको समझा रहे हैं कि तुम्हें आनंद की तो, तुम आनंद तो चाहते हो, ढूंढ रहे हो, पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें आनंद देने आए हैं। नित्यानंद वो कैसा? नित्य आनंद, रोज का नहीं, हमेशा का। और ऐसा आनंद जो खत्म नहीं होगा, जो कि खत्म नहीं होगा। और आनंद कैसा होना चाहिए? आज अगर अभी मैं आपको एक डिश खिलाऊं, दो घंटे के बाद वही रिपीट कर दूं, अब आपकी फेवरेट है, फिर खा लोगे, शाम को फिर दिया, फिर खा लोगे, कल सुबह फिर दूंगा, फिर खा लोगे, दोपहर दूसरे तीसरे दिन कहोगे प्रभु जी क्या बात है, मटर में यही चीज आई है क्या? अब क्या वो आनंद आ रहा है? फेवरेट चीज है,
पर अब आनंद आ रहा है क्यों, क्योंकि वो घटा जा रहा है। तो आनंद का तात्पर्य डेफिनेशन में ही आनंद की कहा जाता है कि उत्तरोत्तर बढ़ता है। आज जितना मिल रहा है ना, अगली बार जैसे ही मिलेगा उससे बड़ा हुआ। तो ये आनंद ऐसा है कि कभी सीमा ही नहीं है इसकी। तो उस आनंद को देने के लिए देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, इस रूप में नित्यानंद प्रभु में आ रहे हैं। कैसे? आक्रोध परमानंद नित्यानंद। क्रोध कर रहे हैं क्या? क्रोध कैसा कर रहे हैं कि क्रोध भी ऐसा कर लिया कि मजगाई मधाई तुम्हारा उद्धार करके ही मानूंगा। हमें कोई गाली दे दे तो क्या सोचेंगे? ईंट का जवाब किससे देते हैं? मतलब मैं समझे शायद ईंट आ गई होगी थोड़ी, फिर पत्थर उठा लिए, ठीक है वापस आ जाते हैं हम अपनी स्थिति पे। सही बात है, ईंट का जवाब पत्थर। तो नित्यानंद प्रभु देख लो क्या, सर पे किसने मटकी मारी? मधाई ने मटकी मार दी, खून निकल रहा है। महाप्रभु ने चक्र बुला लिया कि अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु क्या करे? प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, ठीक है ना, वो आया ना कल, नाचते हुए नाचते हुए नाचते, तो वैसे तीन बार करे प्रभु कलयुग है, ये जीव तो है ही ऐसा पद है, गलती करेगा ही करेगा। अभी हम कोशिश कर ले जितना अच्छा प्रसाद बना रहे, पर फिर भी कोई ना कोई ये कमी थी। बंद हूं हम सब, टीम पद है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। ऐसे ही महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने देखा, समझना महाप्रभु को फिर भी क्रोध आ गया, समझना इस बात, महाप्रभु को फिर भी क्रोध आ गया, पर नित्यानंद। तो एक बार को महाप्रभु का क्रोध का प्रकोप आ सकता है मुझ पे, पर नित्यानंद प्रभु कभी क्रोधित नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या, खूब गलतियां करो, खूब गलतियां करो नहीं, इसका मतलब है कि प्रयास करें। वो जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो उनका ही प्रकाश, जो गुरु रूप में साक्षात हमारे सामने बैठा है, क्या करें, क्या करें? एक दीदी कल मिले, उनसे थोड़ी बातचीत हो रही थी, कहते प्रभु जी क्या करें, 8 साल हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से, कभी 8 माला, कभी 10, कभी ये, कभी वो, समझ में नहीं आता 16 माला पे कैसे आए। तो मैंने उनको एक चीज कहा, मैं कहते कुछ सिंपल सी सरल सी बात है, यहाँ कैंची रख दिया और वहां कागज रख दिया, क्या कैंची कागज काट देगी? क्यों? कैंची तो बनी कागज काटने के लिए, अब क्यों नहीं काट रही भाई? क्या दोबारा कहानी कर रहे हो? एक चीज फिर वही वाली बात, इस बारे में इतनी बार चर्चा हो चुकी है, या तो माला कर लो या कथा श्रवण कर लो, समझना इस बात को, ठीक है? क्या वो जब तक चलेगी नहीं तो चलाएगा कौन उसको? जो पकड़ेगा। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन तो बना ही भगवत भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। हो गई? हो गई सबको? हो गई नहीं, हर मनुष्य को हो गई नहीं। तो क्या है वो ऐसी कैंची है जो पड़ी हुई है, उसको कोई चला नहीं रहा। तो भगवान भागवत में भी कहते हैं, निर्देह माध्यम श्लोक में कहा कि जब एक व्यक्ति, जब ये जीव समझ जाता है कि बड़ी मुश्किल से ये आसान सा मनुष्य जीवन मिला है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, गुरुदेव को, अपने सद्गुरु को, इस शरीर को, अपने मन, अपने बुद्धि को दे देता है कि मैं वो कैंची हूं जो खाली पड़ी हूं, कुछ नहीं कर रही हूं, अब आप अपने हाथ में ले लो और काटते जाओ, मतलब इसको इस्तेमाल कर दो। तो इस मनुष्य जीवन का अगर सार्थक करना है तो क्या करना पड़ेगा, शरणागत होना ही पड़ेगा गुरु वैष्णव। पर बताओ शरणागति तो अभी मेरे में आती नहीं, हाँ मुझे बातें समझ में आती नहीं, क्या करूं फिर? तो कम से कम जो छोटी छोटी शिक्षा दे रहे हैं, देखो इतना सुंदर, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि कितना सुंदर ये स्थान बनाया है। क्या है ये स्थान, क्या है ये स्थान, क्या है? बस इसी नाम में रह गए, भगवान का धाम। ये महाराज जी ने कृपा करके अपने हृदय में से वृंदावन को निकाल के यहाँ रखा हुआ है। तो इस वृंदावन को क्या करना है, क्या करोगे इस वृंदावन को, नष्ट करेंगे या आके यहाँ पे क्या करेंगे, ठाकुर सेवा में लगेंगे, चर्चा में लगेंगे? तो प्रयास करेंगे किसी तरीके से, यहाँ महाराज जी कृपा करके हम पे आते हैं, वैष्णव लोग कृपा करके आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कम से कम मैं चेष्टा तो कर सकता हूँ उन शिक्षाओं का पालन करने के लिए, होंगी नहीं होंगी देखी जाएगी, चेष्टा तो करूं। कृपा कब मिलती है, फॉर्मूला बता देते, कब मिलती है बताओ,
चेष्टा से, तो चेष्टा से क्या होता है, जो कृपा मिल जाती है, कोई छत्ता आएगा थोड़ा और शहर की तरह कृपा निकल गई, क्या होता है हमारी चेष्टा से उन गुरु वर्गो का हृदय पिघल जाता है। अरे देखो बद्ध जीव, देखो इस जीव को इतना कष्ट में है, इतने घर के कामों में फंसा पड़ा, फिर भी देखो माला कर रहा, अरे माला पूरी नहीं हो रही, सुबह 4 बजे उठ रहा, 5 बजे उठने की चेष्टा कर रहा, नींद आ रही है माला करने की कोशिश कर रहा, रात हो गई है माला पूरी करने की कोशिश कर रहा है, कैसे तैसे आने करने की कोशिश कर रहा है, प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाने, ऐसी चेष्टाओं को देख के क्या होता है, गुरुवर्गों का हृदय पिघलता है, वो पिघला हुआ हृदय क्या होता है, वो भक्ति पिघल के फिर हमारे हृदय में जाती है, बस क्या करना है, यही चेष्टा करनी है। गॉड पे मन दे, अरे बोल आ जाओ कहाँ गए, जीत जीत महाराज जीत जल्दी आओ, टाइम हो रहा है, तो कहाँ गए तुम, बोल पञ्चाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवर्ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवानंद कुलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद नित्यानंद अभिन्न कलेवर परम आराध्यतम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य के द्रव्य स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर्ग के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ और हमारे मंच पे आसी पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और जितने भक्त लोग आए हैं सभी वैष्णव वैष्णवी प्रभु लोग माताएं दीदी सभी के चरणों में यथायोग से प्रणाम करता हूँ। अभी समय तो बहुत हो गया है और आज व्रत भी है हमारा, सब बहुत से निचला व्रत है सबका, लगभग सब पारण करेंगे, समय ज्यादा हो गया है, पर नित्यानंद बड़े दयालु हैं, उनकी दया की बड़ी महिमा है। किस दास कविराज गोस्वामी चेतन चैतन्य बधाई रघुनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सारे शिवानंद सेन पे कृपा हुई उनकी, बहुत वृंदावन दास ठाकुर बहुत सारी महिमा है लोचन दास ठाकुर जी, परंतु अभी हम महाराज जी भी रात को सुबह प्रोग्राम किया, दोपहर को भागवत किया पूरा 4 घंटा और शाम को एक हाउस प्रोग्राम किया 2-12 बजे आए और सुबह मंगल आरती के बाद कथा किया, एक हाउस प्रोग्राम में गए, अभी महाराज जी बैठे, अब 2 बजे से भागवत स्टार्ट प्रारंभ होना है। तो मैंने महाराज से प्रार्थना की थी महाराज जी अभी जल्दी से कर दो क्योंकि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, महाराज जी हमारे लिए इतना बैठे हैं, हम लोग सभी लोग नित्यानंद की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, नित्यानंद बड़े दयालु हैं इसलिए सभी लोग जय देंगे और अभी आरती होगी, आरती का सही प्रसाद पाके जाएंगे। आज जो नित्यानंद की तिथि में कुछ भक्तों ने बड़ी सहायता की है, विशेषकर हमारे प्रभु जी क्या नाम है इनका, कालू यादव जी है, इनका पूरा परिवार आया है, इन्होंने नित्यानंद की आज जन्म अभिभावक सब पे सब भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था की है और हमारे प्रभु जी क्या नाम दीदी प्राण गोविंद प्रभु जी आज उनका भी जन्मदिन है तो अभी उनका हमारे से आशीर्वाद लेंगे, उन्होंने भी नित्यानंद की तिथि पे जो प्रसाद जो खीर प्रसाद बनी है बहुत अच्छी खीर बनी है पाओगे तो देखेंगे, तो उनके भी लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे से आशीर्वाद लेंगे। अभी सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग बार देंगे पतित पावन नित्यानंद प्रभु की, हड़ाई पंडित की, अरावती देवी की, एक चक्र ग्राम की, सुपार्श सचिनंदन गौर हरि की। अभी हम
अभी जिनको जिनका मैंने नाम लिया प्राण गोविंद प्रभु जी और कालू यादव जी, जिनका इनके भाई का जन्मदिन है वो अभी आगे आ जाए, महाराज जी बस आशीर्वाद देंगे और आरती होगी, आरती के बाद सभी लोगों के प्रसाद की व्यवस्था है और महाराज जी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी। हरे कृष्णा। देखो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, कितना सुनो। देखो क्या कहते हैं, अरे रुक जा आज। देखो कहते हैं पूरी सर ईट है ते मुही से लगिष्ट और जगाई माधाई है ते मुही से पापिष्ट। मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्य खाए। एमन निर्खिन्न मरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माधर। इसका मतलब सुन लो। तो कहते हैं पुलिस मतलब होता है विष्टा, विष्टा में जो कीड़े होते हैं ना, तो दो कीड़े सभी में ज्यादा गया लिखा। और जगाई माधाई अब सुन रहे थे, वो इतने पापी थे, जब रोज रोज जमदूत जा करके चित्रगुप्त को बोलते थे, चित्रगुप्त मतलब क्या, जो छुपा करके हमारे स्वर्ग फटो ले रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सोचे 10 मंजिल के ऊपर में चार तरफ में दरवाजा बंद करके मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको तो कोई नहीं दिख रहा। नहीं, दिन में इसका साखी सूरज है, रात में साखी 10 दिशाएं चंद्रमा। हम कुछ भी छुपा करके नहीं कर सकते हैं। वो सारे फोटो खींच रहा है, मरने का बाद सारे कापी खुलेगा हमने क्या क्या कर्म की। इसलिए भूल से भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जब चित्रगुप्त के पास में बोलते थे ये जमदूत, चित्रगुप्त इतने क्रोधित हो जाते थे, बोले तो पापी कभी इतना पाप कर सकते हैं। वो लिखते 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 घर भर गया। जब महाराज सोच रहे थे भैया इनकी उधार कैसे होगा, करोड़ों जन्म में भी इनकी उधार होने का कोई रास्ता नहीं, इतना पाप कोई कर सकता है। लेकिन कहते जगाई माधाई से भी मैं ज्यादा पापी हूँ और टाटी के कीड़े से भी ज्यादा गया बीता हूँ। अगर ऐसे मोर नाम लय गई, अगर मेरा कोई नाम ले जाए ना उसको सारे पुण्य खत्म हो जाएगा। मोर नाम सुने जाए, अगर मेरे कोई नाम सुन लेगा ना उसको जितने पाप है सारे पाप उसको लगेगा। एमन निर्घिन्न मतलब ऐसे मैं निकृष्ट व्यक्ति हूँ। लेकिन ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को ऊपर में अगर कोई कृपा कर सकता है, कौन कृपा कर सकता है, एक नित्यानंद बिनु जगत माधा रे, नित्यानंद प्रभु के सिवाय जगत में कोई नहीं, ऐसे पापी को भी जो उद्धार कर सकते हैं। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दयाल नीताई चैतन्ना भोजे आचरिया मार पर, दयाल नीताई चैतन्ना भोजे आचरिया मार पर, नाचरिया मार पर नाचरिया मार पर केवल दयाल कराई के मार के देखे अपना दूरे ताके पावे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर मेरा मन नाच उठे, बोले क्यों, बोले कभी ऐसे दया देखा है, कृष्ण का अगर थोड़ी सी उल्टा पुल्टा किया ना चक्र उठा लिए, रामलीला में कुछ उल्टा पुल्टा किए, उठाया धनुष पूरा लंका ध्वंस कर दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिए। बोले भैया ये बगला में मेरे जी कलसी रखाना ताई बोली की प्रेम दी, बोला भले ही तुमने सर मेरे फोड़ दिया इसलिए क्या तेरे को मैं प्रेम दे दूंगा, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, एक बार मेरे गौर हरि का नाम लो, एक बार श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। इतना बोल दो, इसलिए कहते यथेष्ट भ्रातो गुरु हरि हरि धुनाम निशम। नित्यानंद प्रभु कह रहे भैया खूब भगवान का नाम जप करो, खूब ठाकुर का नाम लो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं बाहुस फुटई, मतलब हाथ उठा उठा कर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं देखो ये संसार से उधार होने का दायित्व तो मैं बात करता हूँ, लेकिन तुम केवल एक ही काम करो, एक बार तुमने केवल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम इतना मात्र करो तुम्हारे उधार का दायित्व मैं लेता हूँ। इतने बड़े दायित्व नित्यानंद प्रभु लेते हैं। आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन, नित्यानंद अभिनंदन हमारे श्री गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत
नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज और नित्यानंद अभिन्न बड़े दयालु बड़े कृपालु हुए, हमारे गुरु वर्ग हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, जैसे किसी तरह से एक ना एक जीवन क्या करे भगवान की भक्ति करते हुए एक जीवन को हम बिता दे, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज की जय। श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। मेरे साथ में सब मंत्र बोल दो, बोलो ओम स्वस्ति न स्वस्ति न गोविंद गोविंद स्वस्ति न स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न स्वस्ति न वासुदेव वासुदेव विष्णु विष्णु धातु स्वस्ति न स्वस्ति न हरिनेतयो हरिहि स्वस्ति न स्वस्ति न अंजना सुत अनोस भागवत श्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव दिवि स्मरन्ति साध्वा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् बोलेति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु धाम का सबसे बड़ा परिमा नवद्वीप धाम
वहाँ जाने से भी पाप खत्म हो जाते हैं। जो जाना चाहते हैं यहाँ पर हर सिंह जीत प्रभु दामोदर प्रभु आज करो चले हरे कृष्ण दरवाजा खोलो भैया आरती चलो जय Bye.
प्रार्थना करिए आज नित्यानंद प्रभु का जन्म है। सब लोग थोड़ा थोड़ा जरूर नाचो, बोलो निताई 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 गोरांग
यार ये पकड़ा के मेरे को चिल्लाती पर नहीं किधर उज्जवल थोड़ी और उधर Thank you.